एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से काम कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, और यहाँ पे फेस अनलॉक भी अवेलेबल है जो बिल्कुल तेजी से फोन को अनलॉक कर देगा। तो खैर ये दोस्तों पूरी कहानी स्मार्टफोन की, जहाँ पे खैर हमें ये कुछ ऐप्स मिल जाती हैं पहले से इंस्टॉल फोन में, लेकिन हम बड़े मजे से मतलब बस एक क्लिक में उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पर दोस्तों को और स्क्रीन टूट गया है दोस्तों, स्क्रीन जो है वो डैमेज हो चुका है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि ग्लास इंटैक्ट है लेकिन मेरे को अंदर की तरफ से जो है वो यहाँ पे कंप्लीट जो है फोन काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन फोन जो है वो बेंड हुआ है काफी सिग्निफिकेंट। ये बेंड है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ अपोजिट साइड से कि ये जो है वो कितना स्ट्रांग रहता है या जो भी है। हाँ, ये तो पीछे का ग्लू जो है, ये बैक पैनल जो है आपके सामने बाहर आ चुका है और फोन में यहाँ पे एक डेंट हो चुका है। एक बार ट्राई करता हूँ और इस तरफ से, यार ये तीन तीन जगह से दोस्तों फोन जो है वो क्रैक हो चुका है। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे काम हो रहा है, मतलब स्क्रीन जो है वो काम कर नहीं रहा है, फोन बटन दब रहा है। ओके, फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कर रहा है, ये मजे की बात है, फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कर रहा है, लेकिन अगर आप देखते हैं बाकी तो यहाँ पे पीछे का जो ग्लास है पूरा बाहर आ चुका है। मतलब अगर आप इसे दबाएंगे तो ये आपके सामने है कि यहाँ पे ऐसे ग्लास पूरा बाहर आ रहा है। और ओके दोस्तों, ये फोन जो है ना ये दो टुकड़ों में हो रहा है भैया, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग डिवाइस।